बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिज़्क में बरकत के लिए मौला अमीर अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि इस्तग़फ़ार बेइंतहा मुफीद है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी वा तुबिले। और बाज़ बुज़ुर्ग मराजों से मैंने खुद सुना है उम्मे मुक़द्दस के, वो कहते हैं कि इशा की नमाज के बाद 100 दफ़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी वा तुबिले पाबंदी से पढ़ें, वुज़ू के साथ क़िबला रुख बैठ के, जैसे नमाज के लिए बैठते हैं वैसे ही बैठ के 100 दफ़ा पढ़ें किसी भी काम के लिए, जैसे बच्चे की शादी नहीं हो रही, जैसे कोई वीज़ा नहीं हो रहा या कोई काम नहीं, कोई काम रुका हुआ, तो उस किसी भी काम की नीयत, एक वक्त में एक काम की नीयत करके 40 दिन मुसलसल, तो कोई भी काम 40 दिन है उसका तकामुल, जो 40 दिन है चिल्ला या चहल अरबाइन जैसे कहा जाता है, तो उसे 40 दिन मुसलसल पढ़ेंगे और रिस्क में बरकत के लिए बेनतहा मुफीद है। हमेशा पढ़ें और इसको 40 दिन मुसलसल पढ़ें। अगर कोई नौकरी के लिए या कारोबार की बरकत के लिए कर रहे हैं, अगर उसमें रिस्क में बरकत नहीं हो रही या कारोबार में रुकावट है या नौकरी कोई तरक्की नहीं हो रही, तो इसको 100 दफ़ा इशा की नमाज के बाद 40 दिन मुसलसल पढ़ें, इस नीयत से, एक काम की नीयत से कि ये काम हो जाए, इंशाल्लाह वो काम होगा।